आप देख रहे हैं खबर जगत। सामूहिक विवाह कार्यक्रम सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधायक व हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा आगामी 11 दिसंबर को डुमरियागंज राप्ती तट पर 4 करोड़ की लागत से बने श्री मंगल भवन विवाह घर का लोकार्पण व मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के निरीक्षण किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि जिले के सबसे बड़े सामूहिक मंगल भवन का निर्माण हुआ है। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। ग्यारह दिसंबर को नव निर्मित ये मंगल भवन जो पूरे जिले का सबसे बड़ा मंगल भवन बना है, मंगल भवन मतलब सारे शुभ कार्यों के लिए यह स्थान पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार में नगर पंचायत के द्वारा बनाया गया है। 11 तारीख को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह भी होगा और इतना बड़ा विवाह कार्यक्रम होगा उसी दिन इसका शुभारंभ भी होगा। कुछ काम भले ही बाकी हो उसको बाद में पूरा विभाग के द्वारा कर लिया जाएगा, लेकिन उस शुभारंभ का उससे अच्छा मुहूर्त कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए उसी दिन उसका शुभारंभ होना हम सभी अपने डुमरियागंज वासियों से चाहेंगे। उस ऐतिहासिक क्षण पर आप लोग भी निश्चित रूप से मंगल भवन के शुभारंभ पर भी और सैकड़ों कन्याओं के मंगल सूत्र में बंधने के शुभ अवसर पर भी आप सारे लोग निश्चित रूप से यहाँ पधारें।